गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मायसेल्फ जनसार किशोर फ्रॉम पारस इंग्लिश हाई स्कूल। टुडे आई विल गिव यू द लेक्चर ऑफ स्टैंडर्ड 10th। दिस रिवीजन लेक्चर फ्रॉम 7th। यू नो योर यूनिट टेस्ट विल स्टार्ट। तो स्टैंडर्ड 10 में जो इंग्लिश सब्जेक्ट है उसमें पेपर में आपको शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच और कॉम्पो आएगा। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट और कॉम्पो आपको अनसीन रहेगा कोई भी, तो उसका मैं रिवीजन भी सेंड कर रहा हूँ और ये लेक्चर भी मैं आपको दे रहा हूँ। सो लेट्स स्टार्ट सम क्वेश्चन। व्हाट डिड लेंचो होप फॉर? द लेंचो होप्ड दैट देयर वुड बी अ गुड सोवर ऑफ रेन फॉर हिज क्रॉप। तो लेंचो क्या होप कर रहा था? तो अच्छी बारिश होगी उसकी क्रॉप के लिए, ये वो होप कर रहा था। वाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वेयर लाइक न्यू कॉइन्स? तो लेंचो होप्ड दैट दिस क्रॉप्स ऑफ रेन वुड हैव हिम अ गुड क्रॉप एंड देन ही वुड हैव अ रिच स्टोर ऑफ कॉर्न फॉर हिज फैमिली। दैट्स वाई ही कॉल्ड द रेन ड्रॉप्स अ न्यू कॉइन। तो ये बारिश के जो बूंदे हैं उसको न्यू कॉइन क्यों कर रहा है? क्योंकि ये बारिश की वजह से उसका क्रॉप अच्छा होगा और जिसकी वजह से वो अच्छे पैसे कमा सकता है, इसीलिए उसको न्यू कॉइन्स कहा है। हाउ डिड द रेन चेंज? व्हाट हैपन टू लेंचोस फील्ड? द रेन टर्नेड इन टू हेलस्टॉर्म एंड द डिस्ट्रॉय लेंचोस क्रॉप कम्प्लीटली। ओके, व्हाट वेयर लेंचोस फीलिंग वेन द रेन हेल स्टॉप्ड? तो लेंचो वॉज फील्ड विथ सैडनेस आफ्टर द रेन और हेल स्टॉप्ड। His corn was totally destroyed. He said to his sons that they would have to corn, no corn that year. But he was hopeful of getting help from God. Okay, so Lencho was filled with sadness after the rain hell stopped. His corn was totally destroyed. उसका corn totally destroyed हो गया था. He said to his sons, उसने अपने बच्चों को कहा that they would have no corns that year. इस साल हमको कोई corn मिलेंगे नहीं. But he was hopeful. लेकिन उसको hope थी कि गेटिंग हेल्प फ्रॉम द गॉड, लेकिन गॉड से हेल्प मिलेगी, ये उसको क्या थी? होप थी। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु डज लेंचो हैव कंप्लीट फेथ इन? तो लेंचो को किस पे फेथ थी? विच सेंटेंस इन द स्टोरी टेल यू दिस? तो लेंचो हैज कंप्लीट फेथ इन गॉड। लेंचो को गॉड पर कंप्लीट फेथ था। एज इज इंस्ट्रक्टेड दैट गॉड नोस एवरीथिंग, वो जानता था गॉड को सब पता है। ओके, एंड हेल्प अस इन अवर प्रॉब्लम, वो हमारे प्रॉब्लम में हेल्प करेंगे। देर आर फ्यू सेंटेंस विच शो दिस, ऐसे कुछ सेंटेंस यहाँ पर मैंसन किए। बट इन द हार्ट एफ ऑल वो लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देर वॉज अ सिंगल होप हेल्प फ्रॉम द गॉड। ऑल दो द नाइट लेंचो थॉट ओनली फॉर वन होप द गॉड ऑफ द हेल्प फ्रॉम द गॉड हुज आइज एज हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सीन एवरीथिंग सीन वॉट इज डीप इन वंस कॉन्शियंस। तो पूरी नाइट वो सोच रहा था कि क्या करूँ क्या करूँ, उसको गॉड पे तो ट्रस्ट था कि डेफिनेटली गॉड क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। गॉड ही रॉट इफ़ यू डोंट हेल्प मी, उसने लिखा गॉड को कि अगर आप मुझे हेल्प नहीं करोगे माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, आप मुझे हेल्प नहीं करोगे मेरी पूरी फैमिली इस साल भूखी रहेगी। ही रॉट टू गॉड ऑन द एनवलप, उसने एनवलप में लेटर लिखा था, पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल वेंट टू टाउन, और वो चलकर टाउन में गया। He could not have made a mistake, उसने कोई mistake नहीं थी, nor could he had denied Lencho, okay, और what he had to request, और उसको पता था कि गॉड मुझे deny नहीं करेंगे जो मैंने request की है, यानी इससे पता चलता है कि उसको गॉड पर बहुत ही ज़्यादा faith था। Next question, which does he think is a nature to love or टू हेट? तो फ्रॉम मंडेला लव कम्स फॉर नेचुरली ऑन द ह्यूमन हार्ट देन हेट। नेक्स्ट वॉट ट्विंस ऑब्वियसली डज मंडेला मेंशन? तो मंडेला मेंशन दैट एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लिगेशन, द फर्स्ट इज टू हिज फैमिली पेरेंट्स वाइफ चिल्ड्रन, द सेकेंड ऑब्लिगेशन इज टू हिज पीपल हिज कम्युनिटी एंड हिज कंट्री। ओके फ्रेंड्स, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। How did Mandela's understanding of freedom change with age and experiment? तो उसका understanding
एज के हिसाब से किस तरह से और एक्सपीरियंस के किस तरह से चेंज हुई। तो विथ एज नेल्सन मंडेला रियलाइज तो विथ एज नेल्सन मंडेला रियलाइज दैट ही हैड अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हिज पीपल हिज कम्युनिटी एंड हिज कंट्री। एज अ बॉय मंडेला डिड नॉट हैव अ हंगर फॉर फ्रीडम बिकॉज ही थॉट दैट ही वॉज बॉर्न फ्री। ही बिलीव दैट ही वॉज एज लॉन्ग एज ओबेड हिज फादर एंड अबीड बाय द कस्टम्स एज हिज ट्राइब ही वॉज फ्री इन एवरी पॉसिबल मैनर। He had certain needs as a teenager and certain needs as a young man. Gradually, he realized that he was selfish during his boyhood. He slowly understood that it is not just the freedom that is being curtailed, but a freedom too of blacks. It is after attaining youth दिस अंडरस्टैंडिंग दैट इज डेवलप हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ हिज पीपल। तो पहले वो जब बच्चा था तब उसको था मैं फ्री हूँ, मैं फ्री बॉर्न हुआ हूँ, मुझे जो भी चाहिए मेरी जो रिक्वायरमेंट वो सब फुलफिल होती, मेरे पेरेंट्स वो फुलफिल करते, यानी मैं फ्री हूँ। लेकिन वह जब जैसे जैसे वो बड़ा होता गया तब उसको मन में ऐसा लगता गया कि भाई वो रियल में फ्री नहीं है, फ्रीडम ऑफ भी उसको रियल में लेनी है, ऐसा उसको फील होता गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाई डिड द यंग सीगुल नॉट गो विथ रेस्ट ऑफ हिज फैमिली। तो द सीगुल डिड नॉट गो विथ रेस्ट ऑफ हिज फैमिली बिकॉज ही वॉज अफ्रेड टू फ्लाई, वो डरने से उड़ने से डर रहा था। नेक्स्ट, हाउ डिड सीगुल पेरेंट्स ट्राई टू मेक हिज फ्लाई, उसके पेरेंट्स ने किस तरह ट्राई किया उसको फ्लाई करने में। तो सीगुल्स पेरेंट्स ट्राइड एवरीथिंग टू मेक हिम फ्लाई, they screamed, scolded and threatened to let him starve on the ledge unless he flew away. तो उसने डराया धमकाया उसको भूखा भी रखा कि जिसकी वजह से वो क्या करे फ्लाई करना सीखे। क्या फ्रेंड्स जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डू यू थिंक दैट द सीगुल्स फैमिली लव हिम, क्या आप सोचते हो कि सीगुल फैमिली उसको लव करती थी। जस्टिफाई देयर एटीट्यूड टूवर्ड्स हिम, द यंग सीगुल हैड टू ब्रदर एंड सिस्टर, उसके दो भाई एक बहन थे। हिज पेरेंट्स फ्लू विद देम टू लीव हिम अलोन ऑन द लेज एज ही कुड नॉट मस्टर अप करेज टू फ्लाई विद देम। हिज पेरेंट्स कुड हैव फेड हिम बट दे रिफ्यूज टू गिव हिम एनी फूड, दे वॉन्टेड हिम टू फ्लाई एंड डाइव फॉर हिज फूड, दे थ्रेटन टू लेट हिम स्टार्व, दे डिड सो बिकॉज दे लव्ड हिम। द पेरेंट्स वेर राइट इन दैट वे, they did because they wanted to teach him the importance of confidence and self-reliant. One can't depend on their parents all his life to be had fun. तो हर एक इंसान को काम करना चाहिए अपने पेरेंट्स पर, वो कब तक डिपेंड रहेगा। थस इट वॉज इम्पोर्टेंट फॉर हिम टू लर्न टू फ्लाई, इसलिए उसको फ्लाई करना तो कंपल्सरी सीखना ही था, डाइव करना सीखना था एंड सर्च इज ओन फूड, खुद का फूड सर्च करना सीखना था। सो The attitude to the seagull's family show to him was actually their love, care and concern for him. तो इस तरह से उसके जो फैमिली थे उसके जो लव केयर और कंसर्न के बारे में यहाँ पर बताया। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से जितने भी मैंने आपको रिविजन दिया है तो सब क्वेश्चन आपको करने हैं, उसी में से आपको क्वेश्चन आंसर आएंगे। नाउ वी विल लर्न अबाउट द डायलॉग इन डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच यहाँ पर मैं आपको एक दो करा रहा हूँ, उसके अलावा आपको मैंने पूरा टॉपिक एक्सप्लेन कर दिया है, उसमें से आपको करना है। ओके, तो यहाँ पर आपकी फर्स्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच दी है, वाइफ देर इज़ नो वन वो कैन हेल्प अस, वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर। वाइफ बोलते कि इस बार हमें कोई हेल्प नहीं करेगा, हम सब भूखे मरेंगे। लंचो से डोंट बी सो अपसेट, उदास मत हो, इवन दो दिस सीम लाइक अ टोटल लॉस, हमारा पूरा लॉस हो गया है। सही बात है, तो उसका इनडायरेक्ट किया है। लेंचो's वाइफ टोल हिम सोरोफुली, लेंचो की वाइफ ने लेंचो को एकदम सोरोफुली दुखी होकर कहा, दैट देर वॉज नो बडी वो कुड हेल्प देम, अभी कोई नहीं है जो हमें हेल्प करेगा। सी एडेड, उसने कहा दैट दे वुड ऑल गो हंग्री, हम ऑल दैट ईयर पूरा साल हमें भूखा रहना पड़ेगा। देन लेंचो कंसोल्ड, लेंचो ने उसको कंसोल किया यानी शांत किया, हर टेलिंग नॉट टू बी सबसेट, उसने कहा उदास मत हो, इवन दो दैट सीम्ड जस्ट अ टोटल लॉस, हमें पूरा लॉस हो गया मैं जानता हूँ। ओके, लेकिन उसको होप था कि गॉड डेफिनेटली उसको क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। ठीक, उसके बाद दूसरा डायरेक्ट इनडायरेक्ट दिया है आपको कि आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेड
पेरिस कंट्रोल डेकोटा DS-088 देयर हियर कैन यू हियर मी आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड ओवर द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर द इमीडिएटली DS-008 आई कैन हियर यू यू ऑट टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट नाउ DS-008 ओवर तो यहाँ पर आंसर दिया है द स्विच ऑन द रेडियो एंड रिपोर्टेड टू पेरिस कंट्रोल दैट माई एरोप्लेन डेकोटा DS-008 वॉज देयर उसने इन्फॉर्म किया भी मेरा डेकोटा यहाँ पर है टू कन्फर्म माई रिपोर्टिंग ये कन्फर्म करे अपनी रिपोर्टिंग के लिए आई आस्क इफ दे कुड हियर मी उसने कहा आप मुझे सुन सकते हो देन आई एडेड दैट उसके बाद उसने एडेड किया दैट आई वॉज ऑन माई वे टू इंग्लैंड मैं इंग्लैंड जा रहा हूँ एज माई रिपोर्टिंग वॉज डन सक्सेसफुली मैंने अपना रिपोर्टिंग सक्सेसफुली कर दिया आई फिनिश माई कम्युनिकेशन सेइंग ओवर उसने कम्युनिकेशन भी कम्प्लीट किया ओवर कह के द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर मी जो वॉइस जो था सामने से आंसर आया इमीडिएटली कॉटिंग माई एरोप्लेन DS-008 दैट ही और सी कुड हियर यू उसने बोला कि हम सुन रहे हैं देन ही और सी डायरेक्टेड मी दैट आई ओट टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट देन उसने बोला कि आप 12 डिग्री वेस्ट क्या करो टर्न कर दो सेइंग ओवर ही और सी कम्प्लीट द कम्युनिकेशन उनका कम्युनिकेशन कम्प्लीट हुआ कि फ्रेंड्स इस तरह से ये मैंने दो आपको डायरेक्ट इंडायरेक्ट समझाए अभी आपको कॉम्पो कोई भी आएगा मैंने आपको रिवीजन में जो कॉम्पो दिए वो सब आपको करने हैं उसमें से कॉम्पो आएगा और डायरेक्ट इंडायरेक्ट मैंने आपको जो एक्सप्लेन किया है मैंने आपको इंडिविजुअल पैराग्राफ भी करवाए तो ये जो एक्सप्लेनेशन उसमें से भी कोई पैराग्राफ हुई है इसमें आज कर उसमें से कोई भी पैराग्राफ आ सकता है ओके फ्रेंड्स सो थैंक यू वेरी मच टू लिसन मी केयरफुली ये आपका स्टैंडर्ड 10 इंग्लिश सब्जेक्ट का रिवीजन था आपको जो मैंने रिवीजन को PDF भेज रहा हूँ वो अच्छी तरह से कर देना ओके उसमें जो जो दिया वो सब कुछ आपको करना है ओनली ग्रामेटिकल पॉइंट डायरेक्ट इनडायरेक्ट में ऐसा है कि आपको ये जो करवाए वो भी करना है और आगे मैंने जो पहले दिया है वो भी करना है बाकी सब आपको जो आज PDF में जो दिया है वो सब क्वेश्चन आंसर शॉर्ट और लॉन्ग कर देने हैं ओके फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच टू लिसन मी केयरफुली